क्या एकता कपूर भी नहीं भूल पा रही हैं सुशांत सिंह राजपूत को? एकता कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत की टीवी शो के नाम पर लॉन्च किया पवित्र रिश्ता फंड। वेल, आखिर क्या है ये फंड और क्या कुछ बताया एकता ने इस फंड के बारे में, आइए जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक महीने से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन उनकी याद किसी के दिल से नहीं जा पा रही। रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत डिप्रेशन से जूझ रहे थे, इसलिए अब इसी पर काम करने के लिए एकता कपूर ने Zee5 के CEO तरुण काटियाल के साथ मिलकर सुशांत की टीवी शो पवित्र रिश्ता के नाम पर एक फंड की स्थापना की है, जो मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार एकता ने इस फंड के बारे में कहा, 10 सालों में समय बहुत तेजी से बदला है। आज के दौर में प्रेशर बहुत ज्यादा है। चारों ओर महामारी के होने के साथ हम सभी अपने घर तक सीमित हो गए हैं, इसलिए लोग बहुत अधिक तनाव और चिंता में हैं। काम के कारण तनाव का स्तर, घर में होने वाली परेशानियां, नौकरियों का जाना, ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा है। ये मेरा सौभाग्य है कि पवित्र रिश्ता फंड का हिस्सा हूँ और आगे भी इसी तरह की पहल का हिस्सा होने में मुझे खुशी महसूस होगी। आपको याद दिला दें, पवित्र रिश्ता एकता कपूर के टीवी शो का नाम था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने मानव देशमुख की भूमिका निभाई थी। सुशांत पिछले महीने 14 जून को हम सभी को छोड़कर चले गए। हालांकि अभी केस की जांच चल रही है, इसमें करीब 30 लोगों के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें उनके परिजन, दोस्त, को-स्टार, स्टाफ, मैनेजर और कई बॉलीवुड के बड़े नाम शामिल हैं। वेल, एकता के इस फंड के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए टेली मसाला।